गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित है, एक्सरसाइज 13.3 का ही है, लेकिन ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनेशन 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको गहराई से देखिए और हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा इसको हम बताते हैं। तो देखिए, एक खोखले गोले के आंतरिक तथा बाह्य व्यास, एक खोखला गोला है जिसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास आधार वृत्त, 8 सेंटीमीटर आधार वृत्त, यहाँ से यहाँ तक का व्यास 8 सेंटीमीटर आधार वृत्त वाले एक शंकु बनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर वाट, h का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को हमको निकालना है। तो हम बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को ये भी बताए थे कि कोई भी चीज़ को गलाने पिघलाने की अगर बात हो तो वहाँ पर आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। तो यहाँ पर आकृति दो है, एक के खोखला गोला है और एक शंकु है, तो दोनों का आयतन से संबंधित ही बात होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो भी कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में उसको हम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, खोखले गोले की त्रिज्या को हम लिख लेते हैं यहाँ से हल, ठीक है। खोखले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है खोखले गोले का व्यास जो है ना, मैंने क्या दिया यहाँ पर, खोखले गोले का आंतरिक का बाह्य, खोखले गोले का बाह्य त्रिज्या आर कितना हो गया, ये व्यास दिया हुआ है तो आधा कर लेंगे तो यह हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 4 cm, आधा एक बार ही कर लिया गया। खोखले गोले की त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी ये भी लिख लेते हैं। खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेंगे हम R2, कैपिटल R2 बराबर कितना हो गया, ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 2 cm, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसका देखिए, अब इसमें क्या कर लेंगे, शंकु का, अब शंकु है ना, शंकु लिख लीजिए, शंकु की त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, आर बराबर कितना हो गया, यहाँ भी व्यास ही दिया हुआ है तो आधा कर लेंगे 8/2 cm, यानी 4 cm हो गया, जो दिया हुआ था उसको लिख लिया गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर कि इसको पिघला करके क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। तो क्या होगा, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, वही ना होगा, लिखेंगे चूंकि खोखले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा क्या चीज, शंकु का
आयतन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको गहराई से देखें, समझ के देखें। खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो 4/3 पाई, और आर क्यू के जगह पर देखिए यहाँ पर आर वन आर टू लिए है ना, तो आर आर वन का स्क्वायर आर वन का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर वन का क्यूब घटा आर टू का क्यूब। यहाँ तक स्पष्ट है, बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपको इसी h का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए, सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन अभी ही कर लेते हैं तो आसान हो जाता है स्टूडेंट लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, पाई है तो पाई भी कैंसिल कर लीजिए। अब कितना आया देखिए, 4 इंटू आ गया, 4 गुना कर लीजिए यहाँ पर, 4 गुने आर वन कितना दिया आर वन 4 का क्यूब कर लेंगे, माइनस आर टू देखिए 2 का क्यूब कर लेंगे, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बिग ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर मतलब आर नहीं 4, तो 4 गुना 4 हो गया गुना एच। यहाँ तक देखिए एक बार, अब क्या करना है, 4 गुना ये हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा आपको 64, और 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8 बराबर 16 एच कर लेते हैं एक बार, 4 चौका 16 एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना 64 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 56 बराबर 16 एच। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस बना लिए, और इसी स्पेस में हमको लिख देना है, इसीलिए करना, केवल इसीलिए एच बराबर ये एच, ये क्या करता है देखिए यहाँ पर एच में 16 गुना करता है तो इधर आएगा तो भाग देगा, तो क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 4 गुना 16, अब बट्टा ये कितना हो 4 गुना 56 अब 22 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से काट लीजिए, 4 चौका 16 आया, अब फिर 4 से 4 चौका 16 आया, अब फिर 4 से कटेगा, 4 एक 4 एक आया 4 चौका 16, यानी आपका निकला 14 cm निकल गया, तो लिख सकते अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 cm। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ, ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।